एम्स अस्पताल के अंदर अब बनाया जा रहा है एक और वेटिंग रूम। जी हाँ, वेटिंग हॉल फॉर पेशेंट के जो पेरेंट्स होंगे, जिस तरीके से जो तमीरदार होते हैं, उनके लिए अब एक वेटिंग रूम जो है बनकर तैयार हो जाएगा एम्स के अंदर, जिसका कि आज भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे बड़े और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में रोजाना हजारों लोग इलाज कराने आते हैं, और उनके साथ उनके परिजन चाहे उनके रिलेटिव आते हैं, और उनको कहीं ना कहीं अब बाहर और रोड पर भटकना पड़ता है, चाहे होटलों में रहना पड़ता है। उन्हीं सभी का ध्यान रखते हुए अब एम्स अस्पताल के अंदर वेटिंग रूम एक और तैयार किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 1000 लोग एक समय में रह सकते हैं, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के एम्स अस्पताल के दिखा रहे हैं, जहाँ पर कई सारे कंपनियों के द्वारा, CSR के द्वारा जो है इसको सहयोग दिया जा रहा है, कि जिससे कि जल्द से जल्द ये वेटिंग हॉल रूम जो है वो बनकर तैयार हो जाए पूरी तरीके से। यहाँ पर 1000 के करीब जो लोग हैं वो रहेंगे। अक्सर आपने एम्स अस्पताल के बाहर देखा होगा कि सर्दियों में लोग खुली रात के नीचे गुजर रहे होते हैं, रात गुजारते हैं, तो कहीं ना कहीं दिन में हो चाहे अलग अलग मौसम में भी देखा जाए तो लोग जो है अलग अलग सहारा ले रहे होते हैं, क्योंकि उनके मरीज तो इलाज करा रहे होते हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन जो उनके साथ रहने वाले लोग होते हैं उनको अस्पतालों में तो जगह नहीं मिलती, तो उनके लिए वेटिंग रूम जो है वो बनाया जा रहा है। उनका ध्यान में रख के वेटिंग रूम बनाया जा रहा है, कि क्योंकि जो वेटिंग रूम बना है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन अब एक वेटिंग रूम और फिर से बनाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को ना दिक्कत हो, जो लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं उनके जो रिलेटिव है उनको दिक्कत ना हो, इसी का ध्यान में रखते हुए इसका भूमि पूजन किया गया, और जल्द से जल्द जिस तरीके से साल से 6 महीने के अंदर ये वेटिंग रूम जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आर सोनी की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताज़ा दिन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। यहाँ पे एक वेटिंग हॉल बन रहा है, जिसमें करीब 1000 मरीज और उनके केयर टेकर्स के लिए आराम से वो बैठ सकते हैं। वेटिंग हॉल है, और इसमें इनका टॉयलेट्स का इंतज़ाम, फ्रेश वाटर का इंतज़ाम होगा, सो दैट इनको कोई दिक्कत ना आए, और कभी कोई टेस्ट होते हैं जिसका इंतज़ार होता है, तो ये लोग आराम से यहाँ बैठ के छाए में बैठ के यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं। तो वेटिंग हॉल, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये बनाया जा रहा है। ये धानुका ग्रुप ने इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस तहत के लिए, और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम ये इनक्रेज कर रहे हैं कि पेशेंट और केयर टेकर्स के वेलफेयर के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर ये किया जाता है तो ये मरीजों को बहुत लाइफ सिंपल कर देता है, आसान कर देता है उनका जो स्टे है यहाँ पे। कितनी कैपेसिटी होगी मैम, कितने लोगों के बैठने के लिए पूरा होगा? ये करीब 1000 लोगों के बैठने के लिए, तो इंस्टीट्यूट में करीब प्रतिदिन 15,000 से 20,000 लोगों का फुटफॉल होता है, तो यहाँ पे वो आराम से वेट कर सकते हैं। कब तक बनके मैम ये तैयार होगा, जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ तो कब तक? हाँ, ये अबाउट 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा। हमें सहयोग की अगर बात की, किस तरीके से जो है सहयोग किया जा रहा है जो आउटसाइडर लोग हैं? हाँ, ये जो जैसे आपको बताया कि धानुका ग्रुप है, ये हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये हेल्प कर रहे हैं ये बनाने के लिए। तो दिन का दिन मैम एम्स में मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, चाहे उनके रिलेटिव हो जो तमारदार होते हैं, तो अब लगता है कि बाहर में जो सड़कों पर इंतजार करते हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी इससे? बने बहुत सहूलियत हो जाएगी, जैसे एम्स का कैंपस है, उसके कई ब्लॉक्स हैं जो थोड़े दूर सिचुएटेड हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा, यहाँ वेट कर सकते हैं। और हमारे पास ई व्हीकल्स हैं, ई बसेज हैं, जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमें दी गई हैं, तो वो भी बहुत आसान कर दिया है। जैसे यहाँ से मरीजों को डिफरेंट सेंटर्स लिया जाएगा, डिफरेंट ब्लॉक्स में ले जाया जाएगा। इवन ये भी सुविधा की गई है कि अगर जहाँ से ये लोग मेट्रो चेंज करते हैं, जैसे पिंक से येलो लाइन पे आते हैं, साउथ एक्सटेंशन से, INA मार्केट से, वहाँ से मरीजों को यहाँ तक लाया जाएगा, यहाँ से फिर इनको डिफरेंट सेंटर्स पे ले जाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है CSR के तरफ से कि ये वेटिंग हॉल बनाया जा रहा है।